दोस्तों 55-25 और ये वही घोड़ा है जिसमें अभी 5-4 दिन पहले आपने वीडियो भी देखी थी, कमानी में हमने दम दिया था। और देखिए कमानी में कैसी है, कमानी तो ठीक होगी। अब कमानी तो ठीक होगी लेकिन नक्के टूट रहे। नक्के कौन से? वो हेल्पर वाला नक्का। ये जो तुमने उस दिन बदलवाया था? फिर बदलवाया तो। अच्छा अच्छा ये वाला इस साइड का ही भाई, ये क्वालिटी का ही फर्क होगा। अब देखो क्या है क्या नहीं, पता नहीं है कौन सी कंपनी का लगाया था, कुछ पूछा नहीं था। हाँ क्वालिटी का। हाँ और कुछ नहीं है, अब लोकल लगा लोगे तो ये टूटेगा। चलो देखेंगे जैसे भी है। वैसे प्लेट लगा के अड़ी तो नहीं रखा है ना? कम है। हाँ लेकिन इसे बैंड ही कर दे रहे, वो सही हो जाएगा जुगाड़। तो दोस्तों ये आई है, वो आगे दिखाता हूँ आपको वीडियो में। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें अंदर मैंने प्लेट डलवाई थी। ये देखिए इसमें गैप सिर्फ 1.5 उंगली का है। और इस साइड दिखाता हूँ आपको, और ये देखिए बताओ इसमें कितना गैप है, 2 उंगली दे लो चाहे। तो देखते हैं जैसे भी है। मुझे ट्यूब का बैंड का इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड चलती है गाड़ी। इसमें वज़न कितना लेते हो? वज़न वही 60-70 ही। कमानी तो सही होगी अब? वाह फिर ठीक है। दोस्तों कमेंट इनका सुन के बड़ा अच्छा लगता है, ड्राइवर लोग होते हैं कह रहे कमानी में कोई दिक्कत नहीं है। तो तड़ हमने दिया था बिल्कुल ठोक भी जाके। और ये इसकी ट्रॉली जिसमें वजन चलता है 60-70। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये 55-25 घोड़ा आया है और ये अपने सब्सक्राइबर ही हैं। पहले हमने इनकी कमानियों के में दम दिया था ओवरलोड के हिसाब से, और आज करेंगे इनका एक्सल, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये साइड देखिए, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा, गाड़ी खड़ी है बिल्कुल सीधी और टायर मुझे नीचे से बाहर को लग रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए बताना। देखो जो इसमें बस जो ये देखिए, यहाँ से और ऊपर का गैप देखिए ना कितना। बाकी चलो खैर खोल के देखते हैं जैसा भी है, कि कहीं झटका उठका लगाया है इसमें, और कुछ नहीं है, ओवरलोड गाड़ी चलती है तो दिक्कत इसीलिए है। दोस्तों मेरा मानना तो यह है कि इसमें खोलना हमने स्टार्ट कर दिया है, और मेरे ख्याल से ट्यूब एक्सल ही बैंड होगी। बाकी आपकी क्या राय, आप भी अपनी राय ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें जो आपको मैंने दिखाया गैप का ही फ़र्क है। बाकी देखते हैं, बाकी इसको मशीन पर लेके चलेंगे, प्रेस मशीन पर देखेंगे क्या निकलता है इसमें क्या नहीं। तो दोस्तों ये टाटा 55-25 गाड़ी चलती है 60-70 टन में, और कहीं ना कहीं दोस्तों ऊबड़ खाबड़ रोड हैं अपने यहाँ के इंडिया के, तो जहाँ पर ये चलती होगी तो कहीं ना कहीं झटका लग ही जाता है, ओवरलोड का जो झटका होता है। अब देखो 60 टन अगर वजन भरा होगा तो 60 का जब झटका लगेगा तो 100 टन पर पहुँच जाता है। दोस्तों गुल्ला ही है, पाइप ही है मतलब ये, और झटका सहन नहीं कर पाता तो ये मुड़ ही जाता है हर गाड़ी का। और इधर ये एक्सल ट्रेलर के पड़े हैं, इसको भी करेंगे प्रेस। तो ये तो दोस्तों जिंदगी में पहली बार देखा है, मतलब टायर खोलने वाली मशीन ऑटोमेटिक डायरेक्ट हो गई, अपने आप ही चल रही थी, तो इसी बात पे हंसी भी आ गई सबको। चलो खैर कोई बात नहीं, टायर खुल गए हैं दोस्तों, इसका खोलते हैं हम एक्सल। और उधर मेरे पास ट्रेलर के जो एक्सल आए हैं फूवा एक्सल, पहले मैंने कहा जब तक इसके हब वगैरह तवे खुलते हैं और काम इस घोड़े का स्टार्ट होगा तब तक उसको दोनों एक्सलों को हम दबा देते हैं। और वो नई ट्रॉली बन रही है दोस्तों, जिसके वो एक्सल हमारे पास आए हैं खुलकर। और इसको दोस्तों जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो ड्राइवर साहब को 55-25 में पहले दबने की दिक्कत थी, तो इनकी दबने की दिक्कत की है दूर, और कमानियों में दिया था दम, कोई पट्टा नहीं बढ़ाया था, पट्टे पहले इन्होंने एक एक दो दो बढ़वा रखे थे और उसी में हमने दम दे दिया था। और अब ये दिक्कत लेकर आए हैं, मतलब टायरों में लगती है अंदर वाले टायर की रकाब ड्राइवर साइड में। तो लेकिन दोस्तों कंडक्टर साइड में गाड़ी देखो रोड ऐसे हैं अपने, कंडक्टर साइड थोड़ी सी दाब ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है ना, गाड़ी भी कंडक्टर साइड लटक के चलती है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया, ये लगा तो झटका ही होगा, बाकी आपकी क्या राय है, ये झटके से एक्सल मुड़ता है या कैसे मुड़ा है, या वजन से? ओवरलोड तो ओवरलोड ही है, आप भी अपनी राय कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। तो इसको जो गैप है दोस्तों उसको प्रेस पर करेंगे बिल्कुल सही, और इसको प्रेस करेंगे ओवरलोड के हिसाब से, और उसके बाद इसमें लगाएंगे फिटिंग करेंगे, क्योंकि कमानियों का तो कोई काम नहीं है, सिर्फ यही इसमें प्रॉब्लम है।
और इसको ट्यूब एक्सल को खोलेंगे और करते हैं प्रेस। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों अब इसके दोनों साइड के खुल चुके हैं। अब जिसको आइडिया होगा वो देखकर बता सकता है कि गुल्ला इसका मुड़ा है या नहीं। ये देखिए दोनों साइड के अब इसके खुल चुके हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गुल्ला इसका बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, ऊपर झटका ही लगा है। तो दोस्तों इसमें से भी देख कर पता लग जाता है यहाँ पर इसका लेवल है परले गुल्ले के हिसाब से, और ये गुल्ला यहाँ बिल्कुल सेंटर में बैठता है लेकिन ये मुड़ा हुआ है। परले का सेंटर देखोगे तो वो यहाँ बैठता है, इतना ज़्यादा ऊपर को मुड़ा हुआ है। अब दोस्तों ट्यूब खुलने के बाद हमने प्रेस मशीन पर ले लिया है ट्यूब को, और इस एक्सल को दोस्तों पहली बार खुला है, डेढ़ साल पुराना घोड़ा है और डेढ़ साल में मतलब एक्सल को खोलना पड़ गया। वो इसलिए
क्योंकि जो कंपनी देती है वो तो अंडरलोड के हिसाब से देती है, और इन्होंने जो चलना है 50 60 70 टन तक मैक्सिमम वेट ढोना है इसमें, और जो लोड करना है माल तो उसी के हिसाब से इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आती है किस किस भाई को आई है कमेंट करके जरूर बताना। मतलब ये जो एक्सल ऐसे बैंड हो जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ओवरलोड से, ये अंडरलोड में भी बैंड हो जाते हैं, लेकिन अंडरलोड में कुछ टाइम निकल जाता है, ये नहीं है कि एक डेढ़ साल के अंदर अंदर ये बैंड हो जाते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जो उसमें 10 चक्का 12 चक्का गाड़ी कोई भी है, सबकी रकाबें टायरों में लगने लग जाती हैं। वो जब होता है जब उसके ठिप्पे, कमानी के जो ठिप्पे होते हैं, या तो वो बैठ जाते हैं या वहाँ से ट्यूब एक्सल क्रैक हो जाता है, तो ये दिक्कत परेशानी आती है। अब कई लोग क्या करते हैं, कमानी के नीचे टेपर पत्ती, मतलब कोई पतली सी पत्ती लगा देते हैं कि जिससे कमानी का, लेकिन वो चालू काम है, वो तो एक वो काम है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं बन रही या कोई काम खोलना नहीं है तो हल्की सी रकाबें ढीली करो, नीचे पत्ती दे दो। लेकिन अगर जो बिल्कुल जेन्युइन काम है, अगर उसमें पत्ती नहीं वैसे दी जाती, उसको ट्यूब एक्सल को खोलो और उसकी जो ऊपर की जो मतलब ठिया होता है, ठिप्पा जिसके ऊपर कमानी रखी जाती है, उसको फाड़ कर वेल्ड करके बिल्कुल लेवल में लगाओ, तो काम जो तरीके का है वो ये चीज़ है। बाकी इसमें तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, हल्का सा है ड्राइवर साइड में, झटका इसका लगा होगा लाजमी, क्योंकि दोस्तों वो हल्का सा ड्राइवर साइड में। डेढ़ साल में कोई पुरानी गाड़ी हो तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो ठिप्पा है उसको हल्का सा वेल्डिंग की लेयर मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्यूब एक्सल क्रैक नहीं है। और पहले इसको प्रेस एक साइड से कर दिया, दूसरी साइड से करके, और इसको हल्का सा वेल्डिंग की लेयर मारेंगे, किसी ने पत्ती लगा रखी थी कमानी के नीचे, लेकिन वो पत्ती निकाल देंगे हल्का सा लेवल करने के लिए, वेल्डिंग की लेयर मार देंगे। अंदर से क्रैक नहीं है, मैंने चेक भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे दिखाता हूँ आपको, बन रही है पूरी वीडियो देखना एंड तक। अब दोस्तों ट्यूब एक्सल तो बैंड कर दी है हमने, लेकिन इसमें अब दिक्कत क्या है दोस्तों, डेढ़ साल हुआ है और इसके लेदर भी ख़त्म हो चुके हैं, ब्रेकें भी कम ज़्यादा लगती हैं, मतलब ब्रेकें तो चलो सही लग रही होंगी, लेकिन उसमें हमें पता कैसे लगा, मैंने ड्राइवर साहब को दिखाया, रिपटें उसकी बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं, जो लेदर है ख़त्म हो चुके हैं, ग्रीस भी इनकी बिल्कुल पानी जैसी हो चुकी है। तो मैं इनके मालिक साहब से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं जब गाड़ी खुली है तो सर काम सारा कंप्लीट करिए, क्योंकि ये ना हो कि अब काम ट्यूब एक्सल कर दो और 15-20 दिन महीने बाद फिर इसके लेदरों के लिए आए, उसके चक्के ग्रीस के लिए। तो वही बात चल रही थी मेरी उनसे, और वो कह रहे हैं आप जो काम होना है कर दो, बिल्कुल कंप्लीट कीजिए, और बस अब इसको ट्यूब एक्सल को लगाएंगे और इसमें जो लेदर लगने हैं, हब वगैरह ग्रीस होने हैं, तो सब काम किए करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को। अब ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ बता रहा था, यहाँ पर किसी ने पत्ती रखी हुई थी, इस पर थोड़ा सा वेल्डिंग करेंगे, अभी आपको वेल्डिंग करके मैंने विपिन को बताया, और आप ये देखना कि कैसे इसमें वेल्डिंग करके उसमें पत्ती निकाली जाएगी। और दोस्तों कनेक्टर साइड का ठिप्पा सही है, सिर्फ ड्राइवर साइड के ठिप्पे में दिक्कत है, और ग्रीस भी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, और लेदर भी आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल रिपटे आ चुकी हैं बराबर, देखिए बिल्कुल पतले पड़ चुके हैं, और ये सारा काम करेंगे तसल्ली के साथ। और ये देखिए दोस्तों, और इधर से ही गुल्ला मुड़ा निकला है, इधर का ही ठिप्पा बैठा हुआ है, तो ड्राइवर साइड में ही कहीं ना कहीं झटका 101% लगा।
वो देखता हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, ये वेल्डिंग करा था ठिप्पा और आ गया बिल्कुल सही। और अब देखिए ट्यूब एक्सल, ये जो इसका लेवल है वो लेवल ये है इसका, यहाँ पर परले गुल्ले को देखोगे तो यहाँ पर लेवल है, पुरले गुल्ले का देखोगे तो यहाँ लेवल है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने भाई अपने जो हैं गुल्ले को गुल्ले के अंदर से देखकर पता लगा लेते हैं कि एक्सल ये प्रेस होने वाला है या नहीं। देखो यही यहीं से पता लगता है कि बंदे को कितना तजुर्बा है, और जिस बंदे ने अंदर से देखकर पता लगा लिया वो बात ही अलग है। दोस्तों मार्किन पे तो हर बंदा चेक कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंदा वो है मतलब इसको खोलने से पहले अगर आपने बता दिया ये बैंड होना है या हो रखा है, जो भी है मज़ा जब आता है। तो दोस्तों लेदर तो चलो जड़ रहे हैं और ड्रम टर्न भी हो रहे हैं, सारा काम कंप्लीट करके देना है, मतलब पीछे इनका काम खोलने की ज़रूरत ना पड़े एक साल से पहले। और दोस्तों जिस भाई ने इस घोड़े की, जो अभी 5-4 दिन पहले ये घोड़ा मेरे पास पहले भी आया था अभी, और उसकी वीडियो नहीं, उसकी वीडियो कमानी दम की नहीं देखी है, और वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उस पर क्लिक कीजिए और इस घोड़े की जो हमने कमानियों में दम दिया था ओवरलोड के हिसाब से, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर।
तो दोस्तों चक्के वगैरह करके इसका काम निपट चुका है गाड़ी का, और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक आधे घंटे का काम बाकी है। लेदर लूदर ग्रीस ग्रूस सब हो गए हैं। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, ये चार हेल्पर के नक्के होते हैं इस घोड़े में। मतलब एक नक्का ये देखिए, ये तो ओरिजिनल है, इधर के ओरिजिनल हैं दोनों। परली साइड का पिछले वाला हेल्पर नक्का 5 दिन में 2 बार टूट चुका है। अब इन्होंने कंपनी में भी ट्राई करा, वहाँ नहीं मिला। बताओ टाटा ही गाड़ी होने के बाद इनको स्पेयर पार्ट का सामान नहीं। अब ये मिला, ये अकाल का नक्का मिला। अब ये भी मुझे कहीं ना कहीं हल्का लग रहा है, और ये ओरिजिनल है। लेकिन अब GS का नक्का ऑर्डर किया, GS का नक्का ही नहीं है पूरे अपनी मार्केट में, तो वो ऑर्डर किया है, वो आ जाएगा। तो जब तक मैंने कहा आप चलाइए, अगर कोई दिक्कत हुई तो स्पेयर में आप गाड़ी में रख लीजिए, नहीं तो लगाएंगे इसमें GS का। और दोस्तों हेल्पर के नक्के हैं, और ये जो नक्के हैं बहुत मजबूत है, देखो कंपनी के साथ के हैं। अब ये जो नक्का है इन्होंने 2 बार डलवा लिया, मतलब 60-70 टन में। चलो ओवरलोड की भी एक हद होती है, लेकिन ये नक्का टूट गया, चलने को वो भी चल रहे हैं। अब ये दूसरी कंपनी का लगा के लेकर आए हैं, और देखते हैं चलेगा तो ठीक है, नहीं तो GS कंपनी का मिला नहीं, GS कंपनी का ऑर्डर किया वो लगाएंगे, अगर ये टूट गया तो लगा देंगे। दोस्तों आप देखिए टायर बिल्कुल जो हमने एक्सल किया है ये, और अब आपको छीद भी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जो टायरों में जो छीद है बढ़िया है। अब पूरा शुरू में और एंड में वीडियो में आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। तो ये दोस्तों फ़र्क पड़ता है जब आदमी काम सही तरीके से कराता है, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और ये देखिए इस साइड दोस्तों आधी उंगली उधर से अब भी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो ट्यूब एक्सल है ना इसका, मैंने नीचे से नापी, इसकी प्लेट जो शू प्लेट लगी होती है उसमें कम से कम 1.5 से 1.5 सूत का फ़र्क है, मतलब कंपनी से ही मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो आप। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके चलेगी। अब तो जैसे मैंने 70 टन के हिसाब से करना था एक्सल, हमने कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब आपको टायर भी नीचे से अंदर को लग रहे होंगे पूरे, देखिए गाड़ी का डायरेक्शन और टायरों का। तो गाड़ी दोस्तों काम कंप्लीट हो गया, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय। दोस्तों काम करवाने के बाद ग्रीस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मुल्ला जी को मैंने बुलाया था, और ये ग्रीस ही करते हैं, और काफ़ी टाइम से यहाँ पर अपने ग्रीस करते हैं गाड़ियों में। अब तो होगी टायरों की तसल्ली है, मजा आ गया है, बहुत ठीक है।